आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के कई मंत्री, नेता और विधायक मौजूद रहे। वहीं अमित शाह के सभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, जबकि शाह ने इस दौरान नीतीश और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक का जिक्र किया, साथ नीतीश कुमार को पलटू राम तक करार दे दिया। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार, शर्म करो, जिस लालू के खिलाफत कर राजनीति की और जीत दर्ज की, आज उसी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं, एक को प्रधानमंत्री तो दूसरे को मुख्यमंत्री बनना है। शाह आगे बोले कि नीतीश, आप प्रधानमंत्री का सपना लिए बैठे थे, आपको तो INDIA अलायंस ने संयोजक तक नहीं बनाया। ये जो इंडी अलायंस, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज 4 सीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो, शर्म करो, लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं, एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूँ, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी 8 नवंबर को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में जनसभा को आयोजित करेगी। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर LJP पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चाचा भतीजे की सरकार से ऊब चुकी है। बिहार सरकार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विभिन्न व्यवस्था में पूरी तरीके से फेल भी हो चुकी है। इन्हीं मुद्दे को लेकर 8 नवंबर को जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। और जन जन के लोकप्रिय युवा हृदय सम्राट हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी की विजन को सुने और जो ये सरकार, वर्तमान सरकार जो चल रही है, आए दिन लूट मार, हत्या, अपहरण, ये इन सब चीज़ों का जो हम लोग ये संकल्प यात्रा और जनसंवाद यात्रा है जनता के बीच, ये हम लोग रखेंगे कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का ज़रूरत है और एक नए बिहार बनाने का हम लोग संकल्प लें। वो तभी सिद्ध हो सकता है जब जनता हमारे नेता का हाथ को मजबूत करे। इस बार भी लोकसभा उम्मीद है कि हम लोग ही लड़ेंगे। अब रह गई कि पार्टी का बात है, लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, ये लोग तय करते हैं कि कौन सीट लेना है, कौन सीट नहीं। अगर नालंदा सीट लेते हैं तो मैं जीत कर यहाँ से संसद भेजूंगा और मैं जदयू के यहाँ से चुनाव हराने का काम करूंगा। 2014 में भी मैंने उनको हराया है,
9000 वोट से बेईमानी करके हमको जीते थे। उस समय भी मैं इलेक्शन प्रभारी था। जिस दिन हमारा फिर अगर लोजपा का ये सीट नालंदा रहा, बात कहता हूँ कि मैं जीत के अपने प्रत्याशी को, अपने शेर को संसद में भेजने का काम करेंगे। कटौना सड़क मार्ग से नवादा आ रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का खुसूरपुर में गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया है। बख्तियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद यादव की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का भव्य तरीके से स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के इस मार्ग से जाने की सूचना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले से थी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने उनको माला पहनाकर उनका बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर सरकारी कार्यालयों में बहाल डेटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी के कर्मी अपनी मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर चुके हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की मांग है कि अभी तक हमें स्थायी रूप से बहाल नहीं किया गया है। वही हड़ताल की घोषणा करते हुए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने कहा कि बिहार सरकार की संस्था बेल्ट्रॉन में हमारा चयन परीक्षा प्रक्रिया के साथ किया गया है, जिसकी परीक्षा भी ली जा चुकी है, लेकिन बेल्ट्रॉन द्वारा इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे सूबे के साथ ही कटिहार में भी प्रदर्शन देखने को मिला। अपना विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि उनके केवल एक ही मांग है, उन्हें नियमित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 25 दिन में सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो संघ मजबूर होकर 28 और 29 नवंबर को 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश हड़ताल लेकर प्रदर्शन करेगा। हम लोग विगत 30 वर्षों से सरकारी विभाग में हम लोग अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का विभागीय समायोजन नहीं हो सका, जिस कारण से हम लोग को बाध्य होकर आज धरना प्रदर्शन संडे के दिन बैठना पड़ा। अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग कल से काला बिला लगा के 6 से 11 तक बैठेंगे और उसके आगे का प्रोग्राम हम लोग का 2 दिवसीय हड़ताल का है 28 और 29 नवम्बर को। अगर उससे भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन में जाएंगे। हम लोग का एक ही एकल मांग है, सेवा समायोजन। बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के आह्वान पर रविवार को स्टेडियम के बाहरी परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उतरे आयोजकों ने बताया कि 6 नवम्बर से 11 नवम्बर तक काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यालय में बैठकर सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सरकार द्वारा मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं होने की स्थिति में 28 और 29 नवंबर 2023 को 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी की जाएगी। अगर सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो बिहार राज्य डेटा एंट्री एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकता है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। 11 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर।
दनियावा थाना क्षेत्र के एरई बेनीपुर गांव में शनिवार रात एक युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि करंट लगाकर और डंडे से पीटकर उसकी हत्या की गई है। मृतक की पहचान एरई बेनीपुर गांव निवासी सत्यनारायण साव के 45 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। शनिवार की रात मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची दनियावा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाने भी ले आई है और वहां से पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना भेज दिया गया है। पैसा लिए हुए थे पॉकेट में 25-30 हजार रुपए। इनको घर से बुला करके शराब पिलाने के लिए ले जाया गया। मुंशी महतो पिस्तौल निकाले कमर से और निकाल के पहले फायर किए और फायर करने के बाद उनको मारा बट से, और मारने के दरमियान जब ये नहीं इनका मौत हुआ तो बदन में इनका बांस लगा हुआ था, हल्का तार वहाँ पे सारा हुआ था, बिजली वाला तार को वहाँ पे बैंडेज था तो खोल करके लाठी से मार करके और उसको खोल करके बदन में जो है इनका बिजली का तार जो लपेट करके और शॉट लगा करके इनका जान लिया गया। कैसे हत्या हुई है सर, कुछ ऊंचा आवाज में सर? मारपीट करके उनको पैसा को लेकर के मारपीट किया गया है और मारपीट कर क्रम में करंट से उसको सटा दिया गया है, इसी वजह से। खबर नालंदा से है जहां चंडी में एक दिवसीय नालंदा फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी और मुख्य पार्षद मनोज कुमार ने किया। वहीं एक दिवसीय फुटबॉल मैच के दौरान पटना और नालंदा के बीच फुटबॉल का मैच का आयोजन हुआ जिसमें पटना टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नालंदा टीम को पराजित कर दिया। वहीं विजय टीम और रनर टीम को जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी, मुख्य पार्षद मनोज कुमार ने मेडल, अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया है। पटना से और नालंदा के लोग सभी दोनों टीम से फुटबॉल मैच हुआ है। इसमें जीत पटना के लड़कन के हुआ है और दोनों को हम बधाई देती हूँ, दोनों टीम को बधाई देती हूँ अपना तरफ से कि जे जीते वो भी और जे ना जीते वो भी, दोनों को हौसला बुलंद रहना चाहिए। बरसों से यहाँ फुटबॉल का खेल नहीं किया जाता था, ये बच्चे कभी देखे नहीं होंगे यहाँ चंडी में कि चंडी में भी फुटबॉल खेला जाता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 20 साल पूर्व में पहले ये फुटबॉल के मैदान के नाम से जाना जाता था, आज वो समझिए कि पुनः जिंदा करने में सब लोग साथ दे रहे हैं और बच्चों को इससे ये प्रेरणा मिलेगा कि फुटबॉल भी एक खेल है जिससे आदमी को व्यायाम की तरह आनंद भी उठाते हैं, खेल भी होता है। शिव शिष्य हरिनंद्रानंद फाउंडेशन ने पटेल मैदान में विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में राज्य के विभिन्न जिलों समेत नेपाल से भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और इस महोत्सव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत अन्य संगठन के स्वयंसेवक लोगों की सेवा में लगे रहे। इस मौके पर शिव भजन, सत्संग और प्रवचन का भी आयोजन हुआ। विराट शिव गुरु महोत्सव के मुख्य अतिथि हरिनंद्रानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष बरखा आनंद ने जनसभा को संबोधित करते हुए साधु संतों के सम्मान की बात कही। मेरा अनुभव कहता है कि शिव की शिष्टता ग्रहण करने के बाद पहले से सांसारिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप
खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर, तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी